गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने फिर से अपनी धाक जमाई है। राज्य में 75 नगर पालिकाओं में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली है और अन्य को 4 सीटें मिली है। विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस इस चुनाव में भी कई नगर पालिका भाजपा से छीनने में कामयाब रही। पीएम मोदी के गांव वर्ड नगर में भाजपा ने भारी जीत हासिल की है। इस बार के निकाय चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष जीतू वघानी ने पहले ही एक बयान में कहा था कि हमने 6वीं बार विधानसभा गुजरात के भाजपा अध्यक्ष जीतू वघानी ने पहले ही एक बयान में कहा था कि हमने 6वीं बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, ऐसे में हम जनता के समर्थन से निकाय चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी ने दावा किया था कि निकाय चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। इन सीटों के लिए मतदान 17 फरवरी को करवाया गया था। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पिछले 22 सालों में सत्ता में रही भाजपा सरकार एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव में कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पालिका चुनाव में भाजपा ने फिर से अपना दबदबा बना लिया है।